हेलो मैं सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टूथ मोबिलिटी पे, कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उनको किस तरीके से हम फिर से मजबूत कर सकते हैं। जब भी किसी का दांत हिलता है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अब ये दांत हिलने लगा है, इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है और ये हमें दांत निकलवाना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, हिलते हुए दांतों का काफ़ी सारे इलाज पॉसिबल है जिसके कारण आपको दांत जो है निकलवाना नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि दांत हिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक चीज़ होती है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। काफ़ी सारी होती हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या क्या आती है कि अगर आपके किसी भी डिजीज़ की वजह से, यानी किसी बीमारी की वजह से अगर आपके दांत हिल रहे हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें, अगर आपको पेरिडोंटाइटिस है, यानी अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है या मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके दांत जो हैं वो हिल सकते हैं। अगले कारण की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कि अगर आपको कोई भी एब्सेस हो गया है, मवाद बन गई है, जिसके कारण भी आपके दांत हिल सकते हैं। कई बार क्या होता है, दांत एज के हिसाब से भी हिलते हैं। अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो उस कारण भी आपके दांत हिलते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी जो हड्डी है वो धीरे धीरे करके नीचे जाती रहती है, जिसके कारण आपके दांत जो है आगे चल के हिल सकते हैं। कई बार कई लोगों को गुस्से में अपने दांत पीसने की आदत होती है, दांत चबाने की आदत होती है, जिसमें क्या होता है, वो प्रेशर जब पड़ता है तो दांत और हड्डी के बीच में एक पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं जिसमें इंजरी हो जाती है और उसके कारण भी आपके दांत जो है वो हिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके जो दांत हैं वो किस तरीके से हिल रहे हैं। ये पता करने के लिए हमने जो हिलते हुए दांतों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री में है। तो ग्रेड वन की सबसे पहले बात करें तो ग्रेड वन में आपके दांत जो है वो 1 mm से कम हिलेंगे, बट जब भी दांत हिलता है तो वो सिर्फ दो डायरेक्शन में हिलता है, आगे और पीछे। अगर अब बात करें ग्रेड टू की, तो इसमें ग्रेड टू में 1 mm से लेकर 2 mm के बीच में आपका दांत हिलता है, बट इसमें आपके आगे पीछे हिलने के साथ साथ दांत साइड में भी हिलता है। ग्रेड थ्री की बात करें तो इसमें 2 mm से ज़्यादा दांत हिलता है और दांत जो है वो हर डायरेक्शन में हिलता है, इसके साथ साथ में दांत ऊपर और नीचे भी साथ साथ में हिलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि जो ग्रेड हमने डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आप क्या करवा सकते हो, जिसके कारण आपके हिलते हुए दांतों को फिर से आप मजबूत बना सकते हो। तो ग्रेड वन की अगर हम बात करें तो ग्रेड वन जो होता है वो 1 mm से कम हिल रहा है, तो जिसमें आप सिर्फ स्केलिंग करवा के या रूट प्लानिंग करवा के अपने दांतों को हिलने से बचा सकते हो, दांत फिर से अपनी मजबूती पकड़ लेता है। ग्रेड वन मोस्टली क्या होता है, जब भी आपके दांतों के आसपास कैलकुलस या टाटर का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण हल्का बोन लॉस हो जाता है और आपका जो दांत है वो हल्के हिलने लग जाते हैं, क्योंकि जो आपके दांत और बोन के बीच में जो पीडियल फाइबर्स होते हैं, यानी जो लिगामेंट्स होते हैं, उनमें हल्की सी इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो लूज हो जाते हैं और आपके जो दांत है वो हिलने लग जाता है। तो ग्रेड वन में आपको जो ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाया जाता है वो करवाया जाता है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। अब बात करते हैं ग्रेड टू की। अगर ग्रेड टू में आपके जो दांत है वो 1 mm से 2 mm हिल रहे हैं और इसमें आपका दांत आगे पीछे और साइड में दोनों साइड हिलता है, तो इसमें आपकी स्केलिंग और रूट प्लानिंग तो होती ही है, इसके साथ साथ में आपकी स्प्लिंटिंग की जाती है दांतों की। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है जो हिल रहे हैं दांत उनको हम लोग जो नहीं हिल रहे हैं, जो हेल्दी दांत हैं उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, उनके साथ जोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और धीरे धीरे जब उनके पीडियल फाइबर वापस हेल्दी होते हैं, मसलों की पकड़ वापस जमती है, तो वो दांत भी हिलना रोक देते हैं। तो ग्रेड वन और ग्रेड टू में आपके जो हिलते हुए दांत हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ईजीली अवेलेबल है, उन्हें आपको बिल्कुल नहीं निकलवाना है। अब बात करते हैं ग्रेड थ्री की। ग्रेड थ्री में आपके जो दांत हैं वो 2 mm से ज़्यादा हिल रहे हैं, इसमें क्या होता है, अक्सर जो दांत है काफ़ी ज़्यादा हिलता है तो इसमें मोस्टली जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो दांत को निकाल दिया जाता है, बट इसमें भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने दांत को नहीं निकलवाना चाहते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए गम सर्जरी या फिर ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, बट इसमें प्रोग्नोसिस बहुत कम होता है, यानी ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमेशा आपको जो डेंटिस्ट है वो सजेशन देते हैं कि ग्रेड थ्री में आप अपना दांत निकलवा लीजिए, इसकी जगह आप लोग फिक्स दांत लगवा सकते हैं, जिसमें आप ब्रिज लगवा सकते हैं, इम्प्लांट करवा सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करवा के आप अपने मुँह में वापस जो है वो फिक्स करके दांत लगवा सकते हैं। अगर आपका जो दांत है वो ग्रेड थ्री से भी ज़्यादा हिल रहा है तो उसको किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता है, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ग्रेड फोर में सिर्फ एक ही सजेशन आपके पास होता है कि दांत निकाल दिया जाए। अगर अभी भी आपको अपने दांतों से रिलेटेड कोई भी इशू है या आप जानना चाहते हैं कि किस कारण से आपके दांत हिल रहे हैं, ये आप पता कर सकते हैं कि आपके मसूड़ों में सूजन है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है या टाटर का जमा होने के बाद आपके दांत हिल रहे हैं,
तो आपके दांत जो हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से हिल रहे हैं। काफ़ी बार होता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या दांतों पे किसी तरीके की चोट लग गई जिसके कारण आपका दांत हिल रहे हैं, तो उस दांत को हम स्प्लिंटिंग करके बचा सकते हैं। अगर वहीं पे अगर आपके दांतों के नीचे इन्फेक्शन है या मवाद बन गई है जिसके कारण सिर्फ आपका एक दांत हिल रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, RCT करते हैं, जिसके कारण आपकी मवाद निकाल दी जाती है और दांत को फिर से मजबूती मिल जाती है। क्योंकि जब तक मवाद नीचे रहेगी, दांत ऊपर जो है वो हिलता रहेगा। जैसे ही हम वहाँ से मवाद निकाल देते हैं, आपका दांत वहाँ पर हिलना बंद हो जाता है, जिसके बाद आप उस पर कैप लगवा सकते हैं। तो दांत का हिलना, इसका सिर्फ दांत निकालना ही एक सॉल्यूशन नहीं है, दांत को बचाया भी बहुत तरीक़ों से जा सकता है। अगर आपके भी दांत हिल रहे हैं, आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या डेंटल से रिलेटेड या अपने दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में, जो यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जिन लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दांत हिल रहे हैं और वो डरते हैं कि कहीं उनको अपने दांत निकलवाने ना पड़े, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, ताकि वो जान सकें कि दांत हिलने का ट्रीटमेंट सिर्फ दांत निकालना नहीं होता है, और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं जिस तरीके से उनके दांतों को बचाया जा सकता है। थैंक यू।